more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News. वेल हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित तिवारी और एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस खास प्रोग्राम जिसका नाम है बीबी तड़का। आपको बता दें कि हमारे इस खास प्रोग्राम में जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता घर के अंदर अगर श्रीशांत, दीपिका और करणवीर की जोड़ी एक बार फिर से हमें एक साथ देखने को मिलती। क्योंकि बात करें अगर इन तीनों की तो ये तीनों ही काफी स्ट्रांग पर्सनैलिटी हैं घर के अंदर और इन तीनों की जोड़ी फैंस को काफी ज्यादा पसंद भी आती थी। जी हाँ, अगर बात करें स्टार्टिंग के दो हफ्तों की तो दो हफ्तों में पहले हमें श्रीशांत और केवी की जोड़ी काफी ज्यादा श्रीशांत और केवी की दोस्ती हमें देखने को मिली, जहां हमने देखा कि कैसे जब भी श्रीशांत पर कोई भी किसी ने सवाल उठाए हैं तब केवी ने उनका स्टैंड लिया है और केवी ने श्रीशांत का साथ दिया है। लेकिन जैसे जैसे बिग बॉस के हफ्ते बीतते गए वैसे वैसे इन दोनों की दोस्ती में दरार भी पड़ती गई। तो वहीं अगर दूसरी तरफ हम बात करें श्रीशांत की बहन यानी कि दीपिका की, तो दीपिका के पास है एक बहुत ही बड़ा बैगेज और वो बैगेज है फैंस का। जहां दीपिका के पास है फैंस की सबसे बड़ी पावर, क्योंकि वो है टेलीविजन इंडस्ट्री की मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेस और फैंस की ही वजह से वो इतने हफ्तों तक घर के अंदर टिक भी पाई हैं। ऐसे में अगर ये तीनों एक साथ होते तो कहीं ना कहीं दीपिका के फैंस की मदद करणवीर बोहरा और श्रीशांत को तो पड़ती ही, साथ ही साथ इन तीनों का ग्रुप घर के अंदर काफी ज्यादा स्ट्रांग भी होता। वेल अगर मैं बात करूं सबसे पहले पॉइंट की, तो घर के अंदर मेन होता है टास्क। जी हाँ, जो भी घर के अंदर टास्क को परफॉर्म करता है वो बनता है कैप्टन, साथ ही साथ उसको अगले हफ्ते बचने की भी पावर मिलती है। फिर बात करें बिग बॉस के घर के अंदर के टास्क की, तो श्रीशांत ने घर के अंदर अभी तक एक भी कोई भी टास्क पूरी तरीके से और भी अच्छे तरीके से नहीं किया है। जब हमने देखा कैसे हर बार श्रीशांत टास्क को बीच में ही छोड़ के चले जाते हैं, तो वहीं अगर बात करें दीपिका की, तो दीपिका भी श्रीशांत की वजह से टास्क बीच में ही छोड़ के चली जाती हैं। जहां वो अपने भाई को मनाने के चक्कर में टास्क को बीच में छोड़ जाती हैं और वो ये भी भूल जाती हैं कि घर के अंदर टास्क परफॉर्म करना कितना ज़रूरी है। और यही वजह है कि दीपिका हमें एज अ परफॉर्मर घर के अंदर इतनी अच्छे तरीके से नहीं दिख पाई हैं, क्योंकि सबको पता है कि दीपिका बहुत ही अच्छे से टास्क करती है। फिर चाहे वो बात हो स्कूल बस वाले टास्क की या फिर बाकी के टास्क की, दीपिका ने पूरी मेहनत से अपने टास्क किए हैं लेकिन अपने भाई की वजह से वो इन टास्क को बीच में ही छोड़ देती हैं। तो वहीं अगर हम बात करें करणवीर बोहरा की, तो करणवीर बोहरा ने शुरुआत से ही अपने टास्क को काफ़ी सीरियसली और काफ़ी शिद्दत से किया है। जहां हर बार करणवीर बोहरा टास्क के अंदर एंड तक तो जाते हैं, साथ ही साथ वो टास्क के अंदर काफ़ी स्ट्रेटेजिक माइंड भी लगाते हुए नजर आते हैं। ऐसे में अगर करणवीर होते दीपिका और श्रीशांत की साइड, तो हमें लगता कि ये तीनों टास्क अच्छे से परफॉर्म करते और दीपिका भी एज अ परफॉर्मर अपनी परफॉर्मेंस दे पाते। हमारा दूसरा पॉइंट होगा रूट ने मनाने का। जहां हमने ये देखा कि कैसे हर बार दीपिका पहुंच जाती है श्रीशांत के पास उन्हें रूठने और मनाने के लिए, जहां हर बार श्रीशांत किसी ना किसी बात से गुस्सा हो जाते हैं और खुद को बाथरूम में बंद कर लेते हैं, जिसके बाद सबसे पहले दीपिका ही होती हैं जो पहुंचती अपने भाई के पास और उन्हें समझाती भी नजर आती हैं। लेकिन अगर श्रीशांत की जगह करणवीर बोहरा होते श्रीशांत की जगह, तो शायद दीपिका को ये सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि घर के अंदर हमें अभी तक दीपिका का अवतार एज अ बहू वाला ही देखने को मिला है। जहां हर कोई दीपिका को यही बोलता हुआ आया है कि वो श्रीशांत की एक केयर टेकर की तरह नजर आती हैं। लेकिन अगर करणवीर बोहरा भी शायद इन दोनों के ग्रुप में होते तो अभी ये तीनों का गेम काफी स्ट्रांग तो होता ही। साथ ही साथ आपको बता दें कि करणवीर बोहरा शायद श्रीशांत को अच्छे से समझा भी पाते, क्योंकि श्रीशांत और करणवीर बोहरा की बॉन्डिंग हमें स्टार्टिंग के दो हफ्तों में देखने को मिली थी और स्टार्टिंग दो हफ्तों में हमें श्रीशांत का ऐसा अवतार भी नहीं देखने को मिला था। तो वहीं अगर बात करूं मैं अपने तीसरे पॉइंट की, अगर केवी श्रीशांत और दीपिका एक साथ होते तो बिग बॉस 12 के घर के अंदर ये तीनों राज कर रहे होते। क्योंकि आपको बता दें कि जहां एक तरफ दीपिका की घर के अंदर काफी ज्यादा तारीफ की जा रही है, जहां फैमिली मेंबर्स ने भी दीपिका की काफी तारीफ तो की है, तो वहीं दूसरी तरफ श्रीशांत का भी दिन पर दिन गेम काफी स्ट्रांग भी होता जा रहा है। तो वहीं अगर आपने कल का एपिसोड देखा होगा तो आपने ये देखा कि कैसे टीजे अपने पति यानी कि करणवीर बोहरा को नसीहत देती हुई नजर आती है, जहां वो ये कहती हुई नजर आती है कि आपको किसी के ग्रुप की जरूरत नहीं है और आप अकेले ही खेले तो ही बढ़िया रहेगा। जिसके बाद कहा तो यही जा रहा है कि जो अभी करणवीर बोहरा का घर के अंदर ग्रुप है, यानी कि अगर करणवीर बोहरा की ग्रुप की बात करें तो उनके ग्रुप में है दीपक, रोहित और सुरभि। तो इन तीनों के ग्रुप के चलते करणवीर की इमेज पर काफी ज्यादा असर पड़ रहा है, जिस वजह से हो सकता है कि शायद करणवीर बोहरा बिग बॉस के फिनाले तक ना जा पाए। और हो सकता है कि अगर करणवीर बोहरा इस वक्त दीपिका और श्रीशांत के साथ आ जाए तो उनकी इमेज थोड़ी सी बदल सकती है और उनके फिनाले में जाने के चांसेस थोड़े से और भी ज्यादा हो सकते हैं। क्योंकि करणवीर बोहरा इस समय सबसे पॉपुलर कंटेस्टेंट तो है ही, लेकिन गलत ग्रुपिज्म के चलते कहीं उनके हाथ से बिग बॉस की ये ट्रॉफी मिस ना हो जाए। वेल आप भी शेयर कर सकते हैं अपने व्यूज हमारे कमेंट बॉक्स के थ्रू, बता सकते हैं कि क्या लगता है आपको कि कौन होना चाहिए बिग बॉस सीजन 12 का फाइनलिस्ट। और साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिएगा हमारा चैनल। तब तक के लिए बाय बाय। For more details, subscribe our channel
and please hit the bell icon so you never miss an update from top news.